तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो अमित जी, पापा जी, मम्मी जी गुस्से में एकदम देखते हुए और मामा जी एकदम शांत से बैठते हुए, और यहाँ पे अंकिता चाय पी रही है, मेरी चाय वहां पे रखी हुई है, और यहाँ पे अंकी। तो हम सबके सब देखने जा रहे हैं, बताओ क्या ये इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं मुझे आज। ये देखो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अमित जी को बोलूंगी आप ये वाला गिफ्ट खोलिए। ओह माय गॉड, कौन सी एक्टिंग भाई, मैंने कोई एक्टिंग नहीं करी। मुझे क्या देख रहे हो, गिफ्ट को देखो। मैंने बता दिया था वो गलती कर दी यार, मैंने पता नहीं क्यों बताया होगा, मुंह से निकल गया वो। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे में क्या है? तो गाइस मैंने अमित जी को दिया है ये। गाइस देखिए मेरी बेइज्जती होगी, मैंने क्योंकि कोई गिफ्ट नहीं दिया है। हाँ जी, सबसे पहले मैं ये वाला गिफ्ट खोलना चाहूंगी, क्योंकि ये वाला गिफ्ट मैं इसलिए खोलना चाहूंगी क्योंकि जो पितू दीदी का बेबी था, बेबी बॉय सुबू ने बोला, पता आया मेरे पास, मौसी मौसी आप ना सबसे पहले ना वो वाला गिफ्ट खोलना जो मम्मी ने दिया है, ठीक है? तो इसलिए मैं सबसे पहले वाला गिफ्ट खोलना चाहूंगी। इतने प्यार से बोला उसने। वेट वेट, थैंक यू दी। दिया है अमित जी ने, यानी कि ये दूसरा तीसरा गिफ्ट है, पहला गिफ्ट तो ये है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। मुझे यहाँ पे कपल दिखाई दिए थे अचानक से, अच्छा ठीक है ये सीधा यही होगा। वो झुक गया उसको पता चला थोड़ा। मैं वही बोल रही हूँ कि ये बताओ इसके ये आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए लाइट जली है। ये कितना क्यूट लग रहा है मम्मी जी, बेबी दिमाग इसका था, आप ही का था, आप ही का था, आई लव यू, पर बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ना मम्मी जी। वाओ ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, इसको देख के तो मजा आ गया। ये आपके ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ध्यान लगाओ जी, बड़ा प्यारा लग रहा है। आपका आपकी दीवार की पेंट झड़ रहा है ना आपकी दीवार में पेंट झड़ रहा है ना, तो ये उसके लिए है कि समझ नहीं आया, पर वाह बोल दिया, समझ आ गया भाई, अच्छा आ गया, आ गया। ये खुलेगा कैसे? खुलना नहीं है इसमें, ऐसे ही खुलना नहीं है, तब करने का, तब जब करोगे तभी खुलना है। दिखाओ इसका, हाँ ये वो हाथ बनाने वाला है। हैंड कास्टिंग, कपल कास्टिंग। थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा प्यारा और बहुत ज्यादा यूनिक है यार।
पर बहुत ज्यादा क्यूट है। शंकर आ गए, शंकर देखो ना पूरा खोलो। ये चेन लाल क्या बोलते हैं उसको, लीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट है। सल्लू भाई एक दिखाया उसने दबंग वाला, उनका हट भाई जान लग रहा था। नाखून बढ़ेगा तो ओह माय गॉड गाइस अभी बन चुके हैं गुंडे मवाली। फिरौती अपने फिरौती की रकम लिखा होगा इसके अंदर, जो कार्ड ग्रीटिंग कार्ड के अंदर लिखा होगा ना, देखो लव यू अमित जी। ये तो सोनू की, ये तो बात है मेरी बहन को झेलने के लिए। ये सोनू है मेरी बहन को, देखो और भी अच्छा अच्छा लिखाओ। यू बोथ आर द बेस्ट कपल इन द होल वर्ल्ड वाइड लव यू अमित जी होल वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब भी होगा देंगे। लव यू अमित जी मेरी बहन को झेलने के लिए धन्यवाद। मेरी बहन को झेलने के लिए धन्यवाद। इट्स माय टर्न, लव यू अमित। May the blessing of God shower on your always. I always want to see you happy. Wish you a very happy marriage. New Year. To my lovely sister. कुछ नहीं. Love you. You are Brenda's sister. You are you are Brenda's daughter. Soon to be a mother. You are Brenda's woman. Love you infinity. बता रही तुम बहुत गंदी, हिंदी में अनुवाद करो इसका। तुम बहुत गंदी बीवी हो, तुम बहुत गंदी बेटी हो और तुम बहुत जल्दी मतलब बहुत गंदी औरत भी हो। ऐसे ऐसे नहीं लिखा सोनू ने। लव यू इनफिनिटी। ओह माय गॉड लव यू टू यार भाई। ये है ना, ये होता है यार। ये जो स्पेल क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा यार, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। रुक जाओ अब छोड़ो ना, फोन पे पूछूंगी किसने क्या क्या दिया। खोल लो उसको भी। आजकल यही चल रहा है यार, पर मुझे लगता है दोनों लिखा जी, दोनों को अलग दे रखा ना, दोनों को अलग। नहीं ये वाला तो मान चुका है। वो आपके लोग थे चेन शायद, ये तो मान जूते भी, जूते भी भाई जी के लिए चक्री भाई। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू सोनू जी। श्री मती ऊपर आप तो श्री भगवान जी का श्री है। तुम तो नहीं हो बेनाम, हो सकता है हाँ। ये बेनाम है अंकित बेलवाल। देखिए गाइस ये पता नहीं कौन हलवाई होने तुझे दे दिया कहीं है क्यों, इसमें कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है। अपनी जान के साथ खुलेगा ये जल्दी जल्दी। क्या इसमें टाइटन का घड़ी, क्या बात भी नंबर है अंदर कुछ और तो नहीं बोला घड़ी। मैंने कहा दोनों टाइम से उठते नहीं है। इनके कमरे में घड़ी होनी चाहिए।
बोल भी कौन रहा है? आपसे टाइम से उठता हूँ, आपसे पहले उठता हूँ मैं। नाइस यार, मुझे कील लगी है मिटा के बाद। आई लाइक इट, मुझे पहले देख ले तो। आपके कमरे से मैच हो रहा है, तभी सेल्फी लगा रखा। क्या लगा? लगाया तुमने? लगाया नहीं, लगाया उसने बाद में। गाइस 1:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। सब कुछ लगा के दिया उसने। ये बड़ा प्यारा है। काम की चीजें मिली अभी तक, कोई फालतू चीज नहीं मिली क्यों मम्मी जी? है ना, नहीं अच्छा है भाई वो भी। सबसे बढ़िया है वो, सबसे यूनिक है वो। वो तो एकदम प्रोफेशनल वाला काम कर रहा है। सबसे यूनिक है कंटेंट क्रिएट। थैंक यू बोथ ऑफ यू। फोटो पीएचडी लग रही है ना, क्या ही लग रही है। लो अम्मी जी। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे और रिलेटिव्स ने, प्यारे प्यारे रिलेटिव्स ने क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे मोस्टली यहाँ पे बेडशीट्स मिली हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम मेरे पास 10+ बेडशीट प्लस अच्छी अच्छी बेडशीट्स हो गई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं यहाँ पे रेड ही लगा सकती हूँ बेडशीट की, बेडशीट ले लो। बेडशीट इतनी ज़्यादा हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्यारी बेडशीट मिली है। थैंक यू ऑल फॉर दिस लवली गिफ्ट यार, थैंक यू so much। भाई ने मुझे अभी ये गिफ्ट दिया है, बहुत गंदा है भाई। तू एक तो तू बर्थडे एनिवर्सरी के दिन बिना बताए चले गया, ठीक है, रात को बिना मिले चले गया। दूसरा ये जस्ट अभी गेट में गिफ्ट छोड़ के फिर से भाग गया। इसने गेट में गिफ्ट ड्रॉप किया और चले गया। मुझे बाहर पे बोलता है तुझे तेरा गिफ्ट कैसा लगा? मैंने कहा मुझे मेरा गिफ्ट, एक्चुअली इसने मुझे पहले वॉच तो दे रही थी अभी एनिवर्सरी से 2 हफ्ते पहले, बट मैंने कहा पता नहीं अब कौन से गिफ्ट की बात कर रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया लगा। मैंने कहा कह रहा पता है कौन सा गिफ्ट है, कहाँ है? मैंने कहा कहाँ है, बाहर है। मैंने कहा बाहर, गेट में। तो अभी मैं गेट से ये गिफ्ट लेके आई हूँ, नीचे पड़ा हुआ था, बहुत अच्छा था। मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी, तो मैं देखना चाहती हूँ गिफ्ट कैसा है और क्या है। ओ नाइस। तो गाइज मैं ट्राई करूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस शूज। मैं बहुत टाइम से भाई को बोल रही थी कि यार मुझे शूज दिला दो, शूज दिला दो, शूज दिला दो। तो उसने फाइनली मुझे एनिवर्सरी में मुझे शूज दे दिए, दोनों को सेम दिए हैं, बस मेरे ब्लैक कलर के नहीं, अमित जी के ब्लैक एंड व्हाइट। तो गाइज नेक्स्ट डे था संडे, हमने कहा चलो यार, मम्मी ने हमें काम पे लगा दिया और हमारा सफाई अभियान हो गया शुरू। तो आप यहाँ पे हमें देख सकते हो, अंकी मैं और मम्मी जी कर रहे थे यहाँ छत की सफाई, मम्मी स्टेयर्स की कर रही थी। तो हम दोनों ने सोचा चलो यार टेरिस की सफाई हम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारा बन गया था भूत, पर मजा आया, गपियाते हुए हमने पूरी सफाई कर ली, पता भी नहीं चला। भैया थोड़ा सही से लगाओ। हाँ भैया, दिहाड़ी नहीं मिलेगी आपको। भैया ये क्या बदतमीजी है, थोड़ा सही से लगाओ ना, दिहाड़ी नहीं दूंगी मैं आपको। हाँ गुड, अब आपको दिहाड़ी मिल जाएगी।